हमारे धर्म में सभी मांगलिक कार्य दिन में करने की परंपरा रही है। बिल्कुल सही। तो विवाह रात्रि में क्यों होते हैं? पहले इस प्रश्न की बात करते हैं। हमारे यहाँ सारे के सारे मांगलिक कार्य दिन में ही होते थे, रात्रि में कभी नहीं होते थे, और रात्रि में करने की परंपरा भी नहीं थी। जब मुगल आए, जब इस्लामिक आक्रांता आए, इन आतताइयों के आने से, क्योंकि हम ये ध्यान है आपको, सोने की चिड़िया था, स्थितियां बहुत अनुकूल थीं, सब आराम से अपना जीवन जी रहे थे और बहुत आनंद बरस रहा था। लेकिन जब ये विदेशी इस्लामिक आक्रांता जब आए तो इन्होंने देखा भारत में सब आनंद से चल रहा है, और यहाँ पर जब विवाह हो रहा है तो विवाह सांझ के समय गोधूली बेला में, जैसा राम जी का हुआ आदि हुआ, उस समय विवाह होते थे तो लेन देन स्वर्ण आदि इत्यादि बहुत होता था, और नाते रिश्तेदार होते थे, सब सज धज कर आते थे। ऐसी स्थितियों में उन्होंने आक्रमण किए और लूटना, उठा के ले जाना, ये सारी चीज़ें होने लगी। उस समय इन चीज़ों से बचने के लिए लोगों ने इस समय के विवाहों को प्रतिबंधित कर दिया और छुपकर रात्रि में विवाह करने लगे। छिपकर, यस पढ़िएगा इसको, छिपकर रात्रि में विवाह करने लगे, और इस कारण से ये परंपरा में आ गया कि रात्रि में विवाह, जबकि कायदे से विवाह गौधूली बेला का होना चाहिए, पार्टी कभी भी देते रहो, लेकिन जो मंगल फेरे, मंडप आदि इत्यादि है, ये दिन का ही होना चाहिए। आप देखिएगा, मैंने तो जो नॉर्मल देखा है महाराष्ट्रियंस में, जो महाराष्ट्रियन समाज के विवाह होते हैं वो या तो प्रातःकालीन मुहूर्त में होते हैं, सुबह 8-9 बजे के मुहूर्त, 10 बजे के मुहूर्त में होते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट टाइमिंग पे होते हैं। उनके शाम का भी होगा तो शाम का भी ऐसे होगा, और ये विवाह की सबसे उत्तम पद्धति है। तो मेरे हिसाब से फेरे या ये सारी चीज़ें दिन में ही लेने चाहिए। बहुत धन्यवाद। दूसरा आपका प्रश्न है, रात तो भूत प्रेत चाचर होते हैं। हाँ, जाहिर सी बात है, नेगेटिव एनर्जी होती है। विवाह में जानवरों से के चमड़ों से बने जूते बेल्ट पहनना ठीक है? बिल्कुल भी ठीक नहीं है। विवाह में तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ठीक नहीं हैं। अब क्या क्या करोगे? एक मेरा वीडियो चल रहा है जिसमें मैंने बोला है कि विवाह में दुल्हनें उतरन ना पहने, जो किराए से कपड़े लाकर पहनती हैं, मैंने बोला है। और फिर मुझे किसी ने बोला, कुछ लोगों ने मुझे लिख कर भेजा, बोला महाराज जी आप कह रहे हैं कि विवाह में जो दुल्हन है वो दुल्हन बाहर से कपड़े लाकर, ऐसे आप बोल रहे हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आजकल सिर्फ जो विवाह है जिस लड़की का, वही नहीं उसके नाते रिश्तेदार भी किराए के कपड़े लाकर पहन रहे हैं। तो मैंने कहा बहुत बढ़िया, हो गया बंटा ढार, अब इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। तो अगर लोग शादियों में इस तरीके से उतरण पहन रहे हैं जिसमें आपको विशुद्ध सात्विकता से शुद्धता और शुचिता का ध्यान रखना है, अगर आप इस कार्य को नहीं कर रहे हैं तो समवेयर डाउन द लाइन चीज़ें उस ऊर्जा से उतर हो जाएंगी, चीज़ें उतर जाएंगी। आप अगर ऊर्जा के सिद्धांत को अभी भी नहीं मानने को तैयार हो, अभी भी विज्ञान के दर्शन को नहीं समझने को तैयार हो, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक लड़की का जब विवाह होता है विवाह, तो लगभग 3 से 4 बार उसके वस्त्र बदले जाते हैं। आप लोग जानते होंगे मंडप की साड़ी अलग होती है, इसकी साड़ी अलग होती है, उसकी साड़ी अलग होती है, आप लोग जो इसको जानते हो। उसके पीछे कोई ऐसा नहीं है कि कोई फैशन है, उसके पीछे भी रीज़न है, क्योंकि हर प्रक्रिया में आपको शुचित और शुद्ध नया वस्त्र पहनना है। अब आप विचार कर लीजिए, हमारा तो इतना बारीक साइंस था, इतनी बारीक प्रक्रिया थी दुल्हन के लिए, अब ये तो आप समझ लीजिए। अब ये नई बात मुझे पता पड़ी, अब ये बात सही है कि मेरा तो विवाह आदि में बहुत समय से आना जाना नहीं है, तो अब नई बात पता पड़ी कि यहाँ भी ये मतलब माताजी पिताजी भी उतरन पहन रहे हैं, बहन भाई भी उतरन पहन रहे हैं, तो इन सबका ही भला हो जाए, मैं तो कहता हूँ। बोलो राधे राधे, धन्यवाद। अब आपने कहा कि चमड़े उमड़े, अब मैं किस किस को क्या क्या कहूँ, इतनी बार मैं कह चुका हूँ, अगर वे अपने जीवन के आनंद को भी प्रॉपर नहीं ले रहे। अच्छा एक चीज़ बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ, विवाह में इंग्लिश सूट पहनना कहाँ तक जायज़ है, कहाँ तक जायज़ है?
किसी भी सूरत में है? नहीं है। लेकिन आप देखिए, जिसको देखो वो गर्मी में भी कोट पेंट टाटे हुए है, तो कायदे से तो ये गलत ना। इस गलती का शिकार मैं भी रहा हूँ, मैं आपसे ये नहीं कहूँगा, मैं भी इस गलती का अनजाने में शिकार रहा हूँ, बुद्धि की कमी उस समय रही होगी। लेकिन मैं आज इसलिए लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि उस गलती को जो मैंने किया है, जो दुनिया कर रही है, वो आगे ना की जाए। इन चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि सनातन धर्म के पीछे एक एक चीज़ का अपना एक महान और एक वैज्ञानिक दर्शन है, और उस महान वैज्ञानिक दर्शन को जानना हम सबके लिए परम आवश्यक है। बहुत धन्यवाद।